अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि बाल जलाकर आप दिखाएं कि बाल से हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो आज मैं ये फ़िरोज़ा को लेकर आया हूँ जो कि असली है, और अभी मैं आपको एक जो नकली नग है वो दिखाता हूँ निकाल के। लेकिन ये देखें आप, शीशे में ये लगे हुए हैं आर्टिफिशियल, तो उनमें से किसी एक को निकाल लेते हैं। पॉज करें, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे बाल अब लगा दिए हैं। ये आर्टिफिशियल था हमारे पास है। अब अभी आप देखें कि इसके ऊपर हम इसके ऊपर रखें इसको, आप ये देख सकते हैं कि बाल अपनी जगह पर ही मौजूद हैं, नहीं जले। अब असली पत्थर की बात करते हैं। एक जी, तो आप ये देख सकते हैं फिरोज़ा पर बाल लगा लिए मैंने, और अभी इसको भी दिखाता हूँ। ये असली है फिरोज़ा, ये आप लोग देख सकते हैं कि बाल नहीं जल रहा, ना ही आर्टिफिशियल पे बाल जला था और ना ही ओरिजिनल स्टोन के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोगों को दिखाया जाए कि आप लोग बाल रखकर पत्थर के ऊपर चेक करना चाहें कि ये पत्थर असली है, तो तब भी आप लोग नहीं जान सकेंगे कि आपका पत्थर वाकई में असली है। क्योंकि चाइना में जो पत्थर बनते हैं नकली, उनमें वो इस तरह के कलर करते हैं, इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग नहीं जज कर पाते कि क्या पत्थर वो वाकई असली में है या नहीं। क्योंकि शुरू में जो पत्थर आते थे नकली, वो आसानी से पकड़े जा सकते थे, उनको आप बाल जलाकर चेक कर सकते थे। ये पहले एक आजमूदा तरीका था कि बाल जलाकर आप लोग चेक कर सकते थे। लेकिन अब जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि एक मामूली सा जो पत्थर है जो बना हुआ था डेकोरेशन का, उसके ऊपर मैंने बाल जलाया, उसके ऊपर बाल नहीं जला, तो जो उन्होंने खुद बनाया होगा स्टोन की सूरत में, तो वो कैसे जल, उसके ऊपर बाल कैसे जलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और मैंने हर स्टोन को चेक करने के जो तरीके हैं वो मुख्तलिफ वीडियो में बता रखे हैं, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी पत्थर का अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस पत्थर को किस तरह चेक करें, और आप देखना चाहते हैं कि मैं लाइव किसी पत्थर की पहचान आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी स्टोन के ऊपर बनाई जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, और जाते हुए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।